दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए स्मार्टफोन की जो कि है Realme C11। इसके टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है और मैं आपको बताने वाला हूं जो जो फीचर्स उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। नाम मतलब आप देख रहे हैं डीजेन मेंटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन से। तो अगर आप लुक देखेंगे और डिज़ाइन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा जिस कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कलर्स स्पेशली आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और मुझे ग्रीन वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद आया है, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है रिच ग्रीन। और एक दूसरा आपका रिच ग्रे है, यानी थोड़ा ब्लैक सा टाइप में आपका ग्रे देखने को मिल जाएगा। लुक आपके ऊपर पूरा दोस्तों सब्जेक्टिव है कि आपको पसंद आता है कलर्स की नहीं आते हैं। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इसके डिस्प्ले की। तो अगला फैक्ट इसका डिस्प्ले है। दोस्तों अगर आप इसका डिस्प्ले देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि है 6.5 इंचेस की। तो अगर आप एक बिग डिस्प्ले लवर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है। लेकिन यहां आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी जो रेजोल्यूशंस हैं वो आपको HD प्लस देखने को मिलेंगे। तो ठीक ठाक सी आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा रिलेटेड टू डिस्प्ले। अब वही बात आती है दोस्तों अगले फैक्ट की जो कि इससे कैमरा के रिलेटेड है। तो अगर आप एक कैमरा स्मार्टफोन चाह रहे हैं और आपको रियर कैमरे से ज्यादा अच्छे शॉट्स लेने हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 13 और 2 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरास देखने को मिल जाएंगे। तो पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह आप ले पाएंगे। और आपको पता है कि जब ये चलन नहीं चला था आपके 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का, 3 मेगापिक्सल आपका था वो काफी अच्छा काम कर दे रहा था। लेकिन फ्रंट में अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आपको ज्यादा मेगापिक्सल देखने को नहीं मिलता, यहां आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फीज आप डिसेंट से खींच पाएंगे, लेकिन वही बात है कि अगर आपको मेगापिक्सल पसंद है तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है इसके अगले फीचर की जो कि है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और काफी अच्छा इसको बना देती है, वो है इसका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर इसमें आप देखेंगे तो इस कैटेगरी में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है, यानी जितनी प्राइसिंग इसमें मिल रही है, प्राइसिंग में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस प्राइस रेंज में आपको हीलियो का G35 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, यानी आपका एक एंट्री लेवल प्रोसेसर से थोड़ा बेटर आपका होने वाला है। दोस्तों प्रोसेसर की गेमिंग कैपेबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप गेम्स नॉर्मली खेल पाएंगे, बहुत ज्यादा आपको हाई एंड इसमें देखने को नहीं मिलता है। और मिड रेंज से भी आप समझ लीजिए कि मिड रेंज से भी आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें प्राइसिंग देंगे वो कम ही देंगे। आपका लोअर मिड रेंज वाला स्मार्टफोन है, लोअर बजट कैटेगरी में आप कह सकते हैं इसको, तो वहां आपको जो परफॉर्मेंस देगा गेमिंग से रिलेटेड वो अच्छी देगा इस हिसाब से इस प्राइस रेंज में, क्योंकि प्रोसेसर इस हिसाब से काफी ज्यादा इसमें अच्छा दिया हुआ है। आपको छोटे मोटे गेम्स आप आराम से खेल पाएंगे, बड़े गेम्स अगर आप देखेंगे तो वहां आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी लाइट वगैरह अगर आप खेलेंगे तो आराम से उसमें आप खेल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसके फीचर की बात आती है कि इसमें जो आपको मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। तो आपने देखा होगा नए सारे जितने स्मार्टफोन हैं उसमें आपका 3.5 mm का ऑडियो जैक हटाया जा रहा है। अब इसमें आपका 3.5 mm ऑडियो जैक दे देने से आपको यही फायदा है कि आप आराम से हेडफोन वगैरह लगा पाएंगे और इजीली अगर आपके पास पहले से भी प्रेजेंट है तो आपके लिए काफी ज्यादा एक अच्छी बात हो सकती है और गेमिंग वगैरह का आप भी ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों कंपनी का क्लेम करना है जो इसकी बैटरी चलती है वो 40 डेज का आपको एक स्टैंड बाई टाइम दे देगा, जिसमें आप कंटिन्यूसली 12 आवर तक का आप खेल सकते हैं गेम्स वगैरह को। और अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हैं तब भी उसने बताया है कि 20-22 घंटे के आसपास आपका आराम से चल जाएगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि 40 डेज आप अगर स्टैंड बाई में इसको रखते हैं। बाकी रियल वर्ल्ड टेस्ट में 205,000 की बैटरी और ये प्रोसेसर के साथ तो 10-12 घंटे आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप हैवी कोर यूज भी करते हैं, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी जो है वो काफी ज्यादा एक बड़ी बैटरी होती है। लेकिन अगला फैक्ट आता है दोस्तों, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी तो दी गई है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मे बी प्राइस बचाने की वजह से या कोई भी रीजन हो, इसमें आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको 5V 2A वाला चार्जर मिलता है, यानी आपका वही नॉर्मल सा चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक बात आप ध्यान दे दीजिए। अब दोस्तों बात आती है इसके अगले फैक्ट की, वो है इसका सॉफ्टवेयर की पे वर्क करता है। तो डेफिनेटली इसमें आपका Realme UI ही आ जाता है आपको देखने को मिलता है और Android 10 पे ये वर्क करता है, तो लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होने वाली है। अब फाइनली बात आती है दोस्तों इसके RAM वेरिएंट्स की और प्राइस की। तो इसमें जो अभी आपको देखने को मिल रहा है RAM, वो आपको 2GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो RAM की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई एंड अगर आप टास्क नहीं करते हैं तो 2GB आपके लिए पर्याप्त हो सकता है, स्टोरेज 32GB काफी अच्छी चीज है। लेकिन इसमें एक और अगला फैक्ट है कि दोस्तों इसमें आप स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी इसमें आपको जो है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, यानी आप 2 SIM लगाइए और एक अपना माइक्रो SD कार्ड लगाइए, इससे आप इसलिए एंजॉय कर पाएंगे और आप अपनी स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग ये आपको जो मिलता है दोस्तों, आपको 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट वो आपका मिल जाता है 7499 में, यानी 5000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात आती है दोस्तों, क्या ये आपके लिए स्मार्टफोन है कि आपको इसको खरीदना चाहिए। तो मैं अगर आपसे बताऊं कि अगर
आपका 7,500 का बजट है और आपको अच्छा कैमरा वाला रियर कैमरे से आपको अच्छी फोटोज लेनी है, काफी अच्छा आपका बैटरी चल जाए, आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, गेमिंग वगैरह भी आप इजिली अच्छे से टास्क कर पाए जिस हिसाब से प्राइसिंग है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन उपाय ऑप्शन हो सकता है, आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों बात करूं अगर मैं एकदम आपको बहुत ज्यादा हाई मेगापिक्सल वाली सेल्फीज लेनी है तो 5 मेगापिक्सल का सेंसर है, आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी आप जो है इसको आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। दोस्तों अगर आया होगा मेरा वीडियो पसंद तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं अगले शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।